नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हम इस पर इन्वर्टर स्टेबलाइजर संबंधी बढ़िया से बढ़िया नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, और उसी सीरीज में ये है कि ये हाइब्रिड की इन्वर्टर है, और इसमें आप देख सकते हैं कि बैटरी मोड में ये इन्वर्टर 100% ओके है। हमने इस पर लोड देकर भी चेक कर लिया। यहाँ पर देखिए वोल्ट हमारी सही है, और हम बल्ब जलाते हैं 200 वाट की या 400 वाट की। देखिए हमने लोड भी दे दी तो हमारी 100% ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कस्टमर की ये शिकायत है कि इसमें चेंज ओवर भी सब कुछ सही है लेकिन खुट-खुट करती है, और चार्जिंग भी सही है लेकिन खुट-खुट करती है, और कम वोल्ट पर ये जो है आपको चेंज ओवर नहीं होती है। तो ये ही प्रॉब्लम है जो उसका सॉल्व हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने पहले भी देखा कि खुट-खुट प्रॉब्लम कर रही थी, रिले में थोड़ी सी ज़्यादा चिंगारी दे रही थी, तो मैंने रिले चेंज कर दी थी। और उसके बाद मैंने चेंज ओवर के लिए जो प्रीसेट लगा हुआ है, मैंने प्रीसेट को चेंज किया ठीक दूसरे ही साइन वेव की किट से निकाल कर, ताकि ये प्रॉब्लम न हो कि हमने दूसरी कैपेसिटी की लगाई है तो प्रीसेट शायद न काम करे। तो इसमें मैंने प्रीसेट भी आपको चेंज कर दिया, इसके बाद भी प्रॉब्लम ज्यों करते हुए। इससे पहले स्क्वायर वेव में मुझे ये प्रॉब्लम मिली थी और मैं उसमें काफ़ी परेशान हुआ था, लेकिन उसी का अनुभव लेकर मैंने उसमें जो काम किया था उसमें ये भी उसी काम उसी में करता हूँ, और वही काम मैंने इसमें भी किया, और ठीक जो रिजल्ट वहाँ पे मिला था मेरे 100% ओके हो गई थी, और वही सेम टू सेम आप देख सकते हैं कि ये कैसी खटपट खटपट कर रही है। तो यही इसमें प्रॉब्लम है, जब लोड देते हैं तो ये आपको आप देख सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और इसीलिए इसमें मैंने वही काम किया जो उसमें किया था, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये जो प्रीसेट इसको भी मैंने ट्यूनिंग करके भी देख ली, फिर भी ये आपकी प्रॉब्लम जो कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने उसमें क्या किया था कि जो 23023 की जो ट्रांसफार्मर लगी हुई है, इसमें भी सेम टू सेम लगी है, उसमें भी लगी हुई थी जो नई वाली किट आती है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि उस पर जो आपको दो डायोड लगते हैं जो जिससे डीसी कन्वर्ट की जाती है, वहाँ पर 4.7 इत्यादि या 10 किलो का रेजिस्टेंस लगा कर सर्किट को सप्लाई दी जाती है। तो वो जो डायोड है, वो डायोड मल्टीमीटर से मापने में बिल्कुल 100% ओके थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी ये प्रॉब्लम जो कहते हुए था। तो मैंने क्या किया कि सेम टू सेम उसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंने क्या कहते कि उस पर एक और डायोड लगा दी, एक एक करके दो डायोड और लगा दिए, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये देखिए कि मेरी यहाँ पर 130 या 140 वोल्ट पर मेरी कामयाब हो गई है, और मैं इसे अब एसी मेंस में लगाने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने एसी मेंस में प्लग लगा दिया, और मेरी ये जो है ये चार्जिंग आप देख सकते हैं कि चार्जिंग और चेंज ओवर दोनों ओके हो गई है। तो सेम टू सेम यही बात है कि इसमें आप देख सकते हैं कि आपको करना क्या है, जो डायोड लगे हुए हैं उसके पैरेलल ही आपको एक डायोड लगा देना है, एक एक डायोड लगा दीजिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम में अगर आपको कम ये काम करते हैं इसके बाद भी नहीं होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कमेंट में कहें, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। यहाँ पर देखिए एक डायोड लगी हुई है और थोड़ी सी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डायोड है, नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे के ऊपर मैंने एक एक डायोड और लगा दिए हैं दोनों को, आप पॉजिटिव और निगेटिव से बिल्कुल डायोड के दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, यानी कि पैरेलल हो जाने चाहिए। बस यही आपको करना है, और इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ना खटखट करेगा और चेंज ओवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो दोस्तों, फाइनली आपको आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कुछ दिन में मैं इस पर व्हाट्सअप नंबर स्टार्ट करूँगा आपसे, जो अगर कोई कमेंट में हो या फिर कोई और बात हो पर्सनली, तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे स्विच ऑफ किया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम टाइम प्रॉब्लम के चलते मैं इसको लगभग स्विच ऑफ रखता हूँ। लेकिन आप इससे व्हाट्सअप से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।